ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। यूपी के लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 6 साल की मासूम बच्ची के साथ मुंह बोले मामा पर आरोप है कि मासूम के साथ बलात्कार करने के बाद गला रेत कर हत्या कर दी। दरअसल 6 साल की मासूम बच्ची घर से खेलने के लिए निकली थी, मगर काफ़ी देर तक वापस नहीं आई, जिसके बाद घर वालों ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी, मगर कहीं पता नहीं चला। परिवार वालों ने सादतगंज पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। शुरुआती जांच में पता चला कि बच्ची को आखिरी बार पिता के दोस्त और मुंह बोले मामा बबलू के साथ देखा गया था। जब पुलिस ने बबलू के घर का दरवाज़ा खोला तो बेड के नीचे मासूम गंभीर अवस्था में पड़ी मिली। तत्काल ट्रॉमा सेंटर अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बबलू के लोगों ने जमकर पिटाई की। इस घटना से पूरे लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। जो राजगीर का काम करते हैं उनके साथ जो उनका एक तथाकथित उनका जो साथ में काम करने वाला व्यक्ति था, जो बच्ची है अपने उस परिचित के साथ उसके घर जाना जैसे कि बताया गया, उसके घर पहुँच गई और वहाँ पर जो सूचना मिली पुलिस जब बच्चों को ढूंढी परिवार वालों के साथ शाम से, तो फिर करते करते जब उसके घर पहुँची तो वहाँ घायल अवस्था में बच्ची मिली। तो उसके जो बच्ची के जो पिताजी के जो खास जिसके साथ वो कार्य करते थे राजगीर का, उसने उस पे आरोप लगाया। महिलाओं पर अपराध बढ़ते ही जा रहा है, चाहे वो महिला हो या फिर मासूम बच्ची हो, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। बच्ची के पिता ने भी बबलू पर आरोप लगाया है और पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।